नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश राजनीति की बड़ी खबर लेकर आए हैं। उससे पहले एक दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिमाचल की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में अहम जो है वो निर्णय लिए गए, साथ में रिपोर्ट जो है वो तैयार करके केंद्र नेतृत्व को भेज दी गई। इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा है वो चलिए जान लेते हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरेश कश्यप जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उसके साथ साथ जो है वो हार की जिम्मेवारी ली है। और ये भी बताते चलें कि बहुत सारे मंत्रियों के साथ साथ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के भी जो है रिपोर्ट में नाम लिखे गए हैं कि उनकी कमजोरियों के कारण जो है कहीं ना कहीं हार जो है वो उपचुनावों में देखने को मिली। और आपको कुछ मंत्रियों के नाम बताते चलते हैं जिनकी कमजोरियां जो है यहाँ पर रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसमें महेंद्र सिंह ठाकुर मंत्री, साथ में मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, साथ में रामलाल मारकंडा, और इसके अलावा बहुत सारे नेताओं अर्की से हो गए, फतेहपुर से हो गए, इसके अलावा जुब्बल कोटघाई से आपके हो गए। तो कुल मिलाकर जो है वो सभी जो आपके पास विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है वो मंत्रियों के भी जो यहाँ पर नाम रिपोर्ट में लिखे गए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियों और साथ में भीतरघात के कारण जो है वो उपचुनावों में हार का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा। अब जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही कहा था कि कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, तो सख्ती जो है वो बरतने के आदेश जो है वो जल्द ही दिए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में आपको सरकार के साथ साथ संगठन में जो है बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और कई मंत्रियों को अपनी जो है कुर्सी गंवानी पड़ेगी, ठीक जो गत विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। और आज जो है वो भाजपा की जो है वो कोर ग्रुप की अन्य बैठक है, और साथ में कल जो है वो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इसके अलावा जीसीसी की बैठक भी होगी। तो कुल मिलाकर बहुत अहम निर्णय जो है ये रहने वाले हैं 2-3 दिनों में, जो जिसकी अपडेट हम आपको तो देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।